आज हम अपने टीचर को शुक्रिया करते हैं जिनकी बदौलत हम आगे बढ़े और हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये एक दिन है, फ़ख्र के साथ मनाना चाहिए ये दिन। तो उन्हीं को समर्पित करती हूँ ये चार अपनी पंक्तियाँ कि वो बेहिसाब मुश्किलों को तोड़ देता है, वो बेहिसाब मुश्किलों को तोड़ देता है, हाथों पे तकदीरों को ला छोड़ देता है, और एक भी दीप ज़रा सा बुझने ना पाए, एक भी दीप ज़रा सा बुझने ना पाए, वो सैकड़ों हवाओं का रुख मोड़ देता है। तो उसी टीचर को मैं भी शुक्रिया कहती हूँ और अपने मुक्त छंद की एक काव्य रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है ओ मेरे टीचर शुक्रिया। तुमसे सीखी उस वर्णमाला में कुछ वर्णों के अर्थ मुझे आज भी हूबहू याद हैं। तुमसे सीखी उस वर्णमाला में कुछ वर्णों के अर्थ मुझे आज भी हूबहू याद हैं, और उन वर्णों में बसे तुम्हारे स्नेह का नील निरभ्र आकाश मुझे उड़ने को आज भी करता है आतुर। क्योंकि कैसे कामयाबी और कैसे खुशी कहते हुए जब तुम्हारी निगाहें सिर्फ मुझ पर आकर टिकती थी, तो बस यूं लगता था जैसे आकाश गंगा के सैकड़ों तारों की मंद मंद रोशनी मुझ में समाहित हो रही हो। ग से गर्व और स से सपना कहते ही मेरी आँखें कल्पनाओं की सरिताओं में हिचकोले खाती सपनों के पीछे पीछे दौड़ जाया करती थी। उम्र ही क्या थी जब तुमने मुझे र से रिश्तों का भान कराया, ध से धैर्य और भ से भरोसे के दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए, न से नम्रता और प से परख सिखाई, ड से डगर पर चलना सिखाया, और ब से बहादुरी के अनगिनत किस्से कहानियां सुना सुनाकर मेरी देह को एक फौलादी आवरण से ढक दिया, व से विशाल और उ से उदार बनाते हुए प से प्रेम का अर्थ बताया, और हाँ तुमने ही धूप पर चुभते मेरे तन्हा नन्हे पाँव को ह से हिम्मत की पगडंडियों पर उतार ये कहते हुए खुद को मुझ में उतार दिया कि ल से लक्ष्य तक पहुँचो, और खुद पेड़ की छांव और ढाल बनकर मेरे ऊपर टपका दिए आशीषों के सैकड़ों किरीट। ओ मेरे टीचर शुक्रिया, तुम्हारे सिखाए वही बेशकीमती शब्द आज भी मेरे भीतर आकार लेते हुए मुझे अब भी आंधियों में विचलित नहीं होने देते। ओ मेरे टीचर शुक्रिया।